this is only just first and second step. This is बहुत आगे जाने वाला है भाई. करेक्टर हम लोग हार मानने वाला आदमी नहीं है. और ये जैसे आज से 10 साल पहले हम लोग एक आदमी ऑफिसर मिलना नहीं मुश्किल था इसी में. आज हम हमने 2 ये ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट किया है. तो यही से और आगे जाएगा हमारे माय ब्लेसिंग्स फादरली ब्लेसिंग नॉट एज ओनली नेक्स्ट प्रेसिडेंट लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते से माय ब्लेसिंग एंड द यंग अचीवर को हम तो यही बोला है कि जो भी काम करेगा विथ ट्रूथ एंड रेशनल के साथ काम करना है. इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं होता है. एक्सपीरियंस तो काम करते करते आ जाएगा लेकिन आप और जो रेशनल से ट्रूथ से देवियत नहीं होना है तो उसको काम करते रहेगा तो अपना भी नाम होगा समाज का जाति का भी नाम होगा. और जिसे जाति का डिग्निटी को हमेशा आप होल्ड करने से अपना डिग्निटी भी आप होल्ड होते रहेगा. तो यही हमारा ब्लेसिंग है आज का दिन में सबको. नहीं नहीं हम लोग पहले हम ऑनरेबल मिनिस्टर होम का स्पीच सुन रहा था तो अरुणाचल में तो निशी तो बिग ब्रदर है ही है. निशी इज ऑल्सो ए कोऑर्डिनेटर. 2 ब्रदर का बीच में झगड़ा होता है तो निशी बीच में आके दोनों को बचाता है आगे ले जाने के लिए. दोनों का मैंने और पॉजिटिविटी को हम लोग बताते हैं समझाते हैं. जिसे सिर्फ अपना बड़ा होकर बैठने से नहीं होगा सबको बड़ा बनाना सबको आगे लेके जाना भी है. तो इसलिए हम लोग जिसे को जो ऑफिसर है जो नौकरी करता है जो लीडर है उसको भी बोलता है कि आप हम सोशल लीडर का ऊपर में डिपेंड मत करो. जिसे जहाँ भी आप काम करके दिखाओ कि हम अरुणाचल के लिए सब जाति के लिए हम हैं या मिनिस्टर बोलो MLA बोलो या ऑफिसर बोलो सब के लिए काम करना है बोल के वो लोग हम लोग एडवाइस देते रहते हैं. ऐसा 5 लाख पॉपुलेशन है. 5 लाख को सबको तो दिया नहीं जा सकता है. वी आर ओनली फेलिसिटेशन इज गिवन टू द अचीवर्स हु हैज डन सम एग्जाम्पलरी जॉब सो दैट अदर निशीज गेट इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट बाय सीइंग देयर अचीवमेंट. उसको देख करके देता है निशी दैट्स द वी ट्राई टू डू द जस्टिस. अगला साल से हम लोग स्पोर्ट्स का अचीवर को उसको भी हमने स्पेसिफिक किया है. तो ये क्लब गेम को नहीं है. जैसा एशियन गेम हुआ नेशनल गेम हुआ या ओलंपिक्स हुआ इसमें अगर कोई अचीवर होता है तो उसको भी फेलिसिटेट करेगा. और इसलिए और भी हम सजेशन दे रहा था सोशल कल्चर में जो अच्छा काम करता है तो उसको भी प्रदर्शित करना है. मैंने नेक्स्ट हमको ये अक्टूबर महीना अगले साल का अक्टूबर में हम लोग कॉन्फ्रेंस होगा न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्ट होगा तो उसको हम लोग मैंने एज आउट गोइंग प्रेसिडेंट आई विल एडवाइज देम टू डू ऑल दी थिंग्स. नहीं हम लोग मिल के रहने से अपना आप जोड़ते रहेगा. और ये जो हम लोग का ये जो सोशल प्रॉब्लम है ना दिस इज नॉट लाइक ए सिंपल एरिथमेटिक 2+2 = 4 होता है ऐसा नहीं. मैंने IAS तो बनने नहीं सका लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस रिव्यू को रोज पढ़ते थे. उसमें एक तो मिला द सम द एथमेटिक्स इन द लाइफ इज नॉट लाइक दिस सिंपल मैथमेटिक्स 2+2 अनलकी के लिए 3 होता है. फॉर द लकी 1 2+2 इज 5 एंड फॉर द मोस्ट लकी पीपल इट इज द सम टोटल ऑफ 3 and 5 इट इज द 8. तो ये जो लाइफ का मैथमेटिक्स ऐसे होता है. ये जो आदमी समाज का जो मैथमेटिक्स होता है ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है.
और इसमें आप लोग जानता है क्या, ये ट्रक गाड़ी जब बोल्डर को लोड करके जाता है तो या चावल का बस्ता को लोड करके जाता है तो ड्राइवर को बहुत आराम होता है स्टीयरिंग करने में, लेकिन पीछे में आदमी लोड लेके जाने से आदमी तो इतना हिलता है ड्राइवर के स्टीयरिंग को कंट्रोल करने नहीं सकता है, ऐसा ही हिलता है, इसलिए आदमी का लोड और चावल का लोड में बहुत फर्क होता है। समाज को चलाना ये आदमी का लोड गाड़ी में जैसा होता है, कौन किस तरफ कब मुड़ेगा, टर्निंग में क्या होगा, कोई भरोसा नहीं होता है, संभल के चलना पड़ता है। हमेशा ये एलजेब्रिक इक्वेशन जैसा नहीं होता है, फिक्स फॉर्मूला नहीं चलता है, यहाँ हर एक चीज़ को संभल सिचुएशन देख कर चलाना पड़ता है। इसलिए आज AIT प्रेसिडेंट हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं तो सब जाति को सबको मिला देना, जैसा अभी हम लोग का जो मोबीरा में प्रॉब्लम हुआ था वह नामसाई में, इसमें जैसा हम लोग रोइंग में प्रॉब्लम हुआ था दो ब्रदर का बीच में, उसको भी हम लोग सॉल्व किया है। तो वहाँ रोइंग में तो हम लोग को ये बोल रहा था जहाँ होम मिनिस्टर के सामने में दाव कथा कथी होने वाला था, आप लोग इतना आराम से दोनों जाति को मिला के बात कर लिया है, मैंने कैसा जादू हुआ है, ये जादू का बात नहीं, मेरा दिल साफ होना है। अगर हम दिल से बात करेगा तो आदमी तो दिल को समझ जाएगा ना, लेकिन जब आप मुख में सुनाने के लिए बात करेगा तब आदमी आपको विश्वास नहीं करेगा। मैंने आदमी के साथ बात करने से अच्छा होता है। तो समाज को चलाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन हम लोग एक साथ तो रहना है। जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो बोला हुआ जैसा, यू कैन चेंज योर फ्रेंड, यू कैन चेंज अदर थिंग्स बट नॉट द नेबर्स, तो हम लोग तो साथ में रहना है। जैसा असम का हम लोग का बोरो भाई लोग, हम लोग को वहाँ का जो बेड इलेवेंट लोग, हम लोग को इसी आदमी बहुत टॉर्चर करते थे। मैं सिचुएशन में एक भाषण में एक चीज़ बोला था, आप लोग असम का टाइगर्स है, हम लोग भी अरुणाचल का इसी अरुणाचल का टाइगर्स है, टाइगर टाइगर का कभी भी शिकार नहीं करते हैं, तो आप लोग हमको शिकार मत कीजिए, हम लोग भी आप लोग को तंग नहीं करेगा। लोग बोलता है कि सर आपका वो जो सेंटेंस है बहुत इफेक्टिव है, बड़ा लोग हम लोग मिलजुल के बैठता है, तो हम लोग तो चाहता है कि हम भी शांति से रहे, आप भी शांति से रहे, एक दूसरे को कभी हानि ना करें। इसलिए मैं निशी अली सोसाइटी का प्रेसिडेंट हिसाब से नहीं, हम AIT का भी प्रेसिडेंट है, इसलिए हम तो चाहता है कि निशी बिग ब्रदर हिसाब से निशी हमेशा अपने बाकी भाई लोगों को भी साथ में लेकर चले। ये इसमें बोसिस में नहीं चलना है, प्यार से चलना है, एक दूसरे को ये प्यार से हम लोग साथ में आगे जाना है। आज तो मेरा जीवन का सबसे सुंदर पल है और बहुत खुशी का पल है। हम जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, और सही और गलत को लेके लोग बहुत हमारे ऊपर में भी बातें करते हैं, लेकिन जब अपना समाज जो एक सभी के लिए सोचते हैं और समझते हैं और आगे का दशा और दिशा को जो दिखाते हैं वो है हम लोग का निशी इलीट सोसाइटी। तो आज उन लोगों ने हमारा जो समाज में जो लोग एक क्रीम लेयर को आज उन लोगों ने यहाँ फेलिसिटेशन दिया है, और इस फेलिसिटेशन में उन लोगों का जैसे हमने बोला दशा और दिशा को भी दिया है कि हमारा जो लोग ये सरकार में जुड़े रहेंगे एज एन ऑफिसर अपना अपना फील्ड में, वो सोसाइटी को पे बैक करना है। ये बहुत सबसे बड़ा मैसेज आज उन लोगों ने दिया है, और हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि अपना निशी समाज का जो अच्छाई है उसको और आगे उनको हम बढ़ाना है, और अपना जो समाज का नाम से जो भी हमारा लाइफ में आएंगे 24/7 हम लोग अपना जो कर्तव्य जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सरकार देगा समाज देगा उसको को भी निभाना है। आज का मैसेज यही था। मैं बोलना चाहूँगा मतलब मेरे जैसे क्यों बनना, मेरे से बेटर बनो, देयर इज़ एंडलेस पॉसिबिलिटी, आप मेरे से हमेशा बेटर कर सकते हो,
और मेरे पास एज फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न उतना कोई बड़ा ग्रेविटी है नहीं कि मैंने लाइक आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना लाइफ इंजॉय भी करता था, बट हमेशा मैं एक टाइम निकालता था कि मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा। मैं कभी नहीं चाहता था कि अगर इफ़ आई एम कम्पीटिंग विद सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल तो मैं सबसे पीछे रहूँ, वो माइंडसेट लेके चलता था। लेकिन मैं लाइफ में खुश भी रहता था, क्योंकि इफ़ यू आर हैप्पी, अगर आप खुश हो तो आप अपना काम मतलब अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना एम सही से सेट कर लो, ज़िंदगी अच्छे से जियो पहली बात, क्यों अगर आप खुश नहीं हो, आपके लाइक आपका माइंड फ्री है नहीं, तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात है कि आप खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, और यह है कि अगर कोशिश करो कि जो आपके आसपास जो है कोई सीनियर्स उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करो। और यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है, लोग बोलते हैं कि टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके पास अगर अच्छा फ्रेमवर्क है, अच्छा गाइडेंस है, यू आर क्वाइट कैपेबल। मेरे को लगता है कि अरुणाचल में अच्छे टैलेंट हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं फ्यूचर में। तो और ये हमारे आपके पास हमारे पास सीनियर्स काफ़ी है, मैं भी हूँ। तो अगर आपको कभी लगे कि हमसे भी कनेक्ट कर सके, कि आपको लगे कोई गाइडेंस लगेगा, तो आप कभी भी हमें मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अदरवाइज़ तो हमारे बच्चे सारे अच्छे ही हैं, जितना मैंने इंटरेक्ट किया फ्रॉम द स्टेट सर्विस ऑल्सो, स्कूल कॉलेज लेवल पे भी, जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे को अच्छे अच्छे बच्चे ही मिलते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में भी अच्छा काम करेंगे और अच्छा नाम कमाएंगे, नॉट ओनली फॉर द कम्युनिटी बट फॉर द स्टेट एंड द कंट्री एज अ होल। थैंक यू।